नमस्ते सभी को फिर से तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे जरबम गामलिन गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जो जोते में है उसका फॉर्म फिलअप करना हम आज इस वीडियो में सीखेंगे तो उस दिन हमने रजिस्टर करना सीख चुका था तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको रजिस्टर करना होता है तो रजिस्टर करने के लिए आपको नीचे पे रजिस्टर हेयर का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे क्लिक करके आपको रजिस्टर करना होता है तो रजिस्टर करने वाला जो वीडियोस वीडियो है वो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप जाके देख लीजिए उसको और रजिस्टर करने के बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना होता है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कह दूँ कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और टेलीग्राम तेल, चैनल पर मैं बहुत कुछ कुछ पोस्ट करते रहता हूँ तो उसका अपडेट रहने के लिए आप वहाँ पर सब्सक्राइब करके रख सकता है तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे करके फॉर्म फिल करना है तो रजिस्टर हो जाने के बाद तो इस पेज पे होगा तो यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन पर आपको क्या करना होगा क्लिक करना होगा तो जैसे कि मैंने सब कुछ डाल के लॉगिन पर क्लिक किया तो आपको ये नया डैस्कोड पर लेके चला जाएगा जहाँ पर आप फॉर्म फिल करना शुरू करोगे तो आपका डैस्कोर्ड कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा जैसे कि आप मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो तो इसको स्क्रॉल आप करना है आराम से तो यहाँ पे आपको एप्लीकेंट्स बेसिक डिटेल्स तो आपको कुछ बेसिक डिटेल्स आपको प्रोवाइड करना है तो कैंडिडेट्स नेम में आपका नाम लिखना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है फादर्स नेम मदर्स नेम डालना है उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है और कैटेगरी पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है अगर आप अरुणाचल प्रदेश का एसटी है तो आपको ए पी सेलेक्ट करना है अगर आप अरुणाचल का नहीं बाहर का एसटी है बोलने से आदर्श एसटी पे सेलेक्ट करना है और जनरल है तो जनरल एस है तो एस सी है तो ओ अगर आप अरुणाचल का एस है तो ए पी एस टी सेलेक्ट करना है और अरुणाचल का नहीं होके जैसे कि आसाम मणिपुर मेघालय ऐसे करके इंडिया में ढेर सारे स्टेट है वहाँ पे भी एस पाया जाता है अगर उनमें से कहीं का एस है तो आदर्श एस टी सेलेक्ट करना है अरुणाचल का एस है तो ए पी एस टी सेलेक्ट करना है उसके बाद तो उसको आप अपना हिसाब से देख के सिलेक्ट कर लेना है तो उसको सिलेक्ट हो जाने के बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी अगर आप में कुछ डिसेबिलिटी चीज़ है तो आप आ, येस कर सकते हो उसके बाद आपको रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है और आपको जेंडर सिलेक्ट करना है प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस देना है तो प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस में आपको ब्लेज देना है पी देना है डिस्ट्रिक्ट देना है और स्टेट को देना है उसके बाद मोबाइल नंबर ई जो रजिस्टर करते वक्त दिया था उस चीज़ को देना है और क्वालिफिकेशन टाइप में आपको फाइनल ईयर जो एग्ज़ाम दिया है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो वो कर सकता है और जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका है वो भी कर सकता है और पोस्ट ग्रेजुएट वाला भी कर सकता है उसके बाद आपको यहाँ पे दो चीज अपलोड करना है आपका पासपोटो और आपका सिग्नेचर तो पासपोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद या, या नीचे पे आपको डिक्लेरेशन का मिलेगा तो आई एग्री का चेकबॉक्स है, वहाँ पर चेकमार्क दे देना है उसके बाद नीचे में आपको कैप्चा को टाइप करना है और टाइप करके ग्रीन बटन पे आपको सबमिट का बटन देखने को मिलेगा तो उसमें आपको क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है आपका बेसिक डिटेल्स को तो जैसे कि मैं इसको जल्दी से कर लेता हूँ तो मैं आ, सब कुछ फिल कर चुका है तो अभी मैं यहाँ कंफर्म सॉरी सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा नेक्स्ट पेजेस तो यहाँ पे आप एक प्रीव्यू आप देख सकते हो तो देखना चाहो तो देख सकते हो देख के कुछ गलत हुआ है कि नहीं वो सब देखना है मिस्टेक हुआ है बोलने से तो यहाँ एडिट का ऑप्शन है वहाँ क्लिक करके आप करेक्ट भी कर सकते हो अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे एथेज ग्रीन पोटन पे आपको एथेज का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा तो उस एथेज का ऑप्शन पे आपको क्या करना है क्लिक करना होगा एतिच का ऑप्शन पे तो जैसे कि मैं यहाँ पे एथेच का ऑप्शन पे अभी क्लिक करूँगा तो एतिच का ऑप्शन पे क्लिक करते ही फिर से आपको नया एक डैस्कोर्ड में आपको ले ले जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या करना है आपको कुछ एतिच करना है वो क्या है बोलने से आपका आइडेंटिटी प्रूफ उसके बाद आपका आ, जैसे कि आप फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है अभी अभी रिजल्ट नहीं निकले तो आप फिफ्थ सेमिस्टर तक का मार्कशीट वगैरह अपलोड करना है और आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्रूफ में कुछ भी दे सकते हैं आधार कार्ड जो भी पैन कार्ड और आपका कॉलेज आई जो भी दे सकते हैं उसके बाद उसको सिलेक्ट करना है उसके बाद आपको वो फाइल को अपलोड करना है तो यहाँ पे जैसे कि आपका सेमिस्टर वाइज़ को भी सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट और सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे अपलोड हो जाने के बाद उसके बाद आपको फिर से ग्रीन बटन पर सेब का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ पे क्लिक करना है तो जैसे कि मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया है अभी मुझे क्या करना है सेब का बटन आपको ग्रीन बटन सेब का बटन है वहाँ पे क्लिक करना होगा तो सेब का बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा तो मेरा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे लाइव शो कर रहा है मीन्स कि लाइव करके मैं आप लोगों को दिखा रहा है तो इसलिए मेरा नेटवर्क थोड़ा बहुत स्लो है तो आप सब देख लीजिए आपका नेटवर्क सही है कि नहीं और दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए और वहाँ पे मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो आपका कुछ डाउट पूछ सकते हो तो वहाँ पे हम बातें भी कर सकता है तो सेब का बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पे आपको नेक्स्ट पे आपको मैक पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पे आपका सब कुछ हो चुका है उसके बाद इधर से फिर आपको आप एक बार चेक भी कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पे मैक पेमेंट जो ग्रीन बटन पे है मैक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है पे करना है तो हुआ ना आसान वाला काम यहाँ पर इतना इतना कुछ बढ़ना नहीं पड़ा तो अगर आप आ, एस टी है तो आपको 600 का फॉर्म चार्ज होगा तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है जनरल है तो शायद सेवन ऐसे कुछ है क्या मुझे भी आइडिया नहीं है लेकिन ऐसे कुछ होगा एस को अगर 600 हंड्रेड से जनरल का थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आप आ, मेक पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ भी आप यूपीआई यूज़ कर सकते हो आ, उसका बाद इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो भी आपका पास अवेलेबल है उसको आप यूज करके पेमेंट कर सकते हो जैस जैसे कि अगर आप एटीएम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है डेबिट पर डेबिट कार्ड पे क्लिक करके और कार्ड का डिटेल्स भरना है उसके बाद एक्सपायरी अमाउंट ई सीवी और कार्ड होल्डर नेम ये सब भर के उसके बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन नीचे में आपको मिलेगा तो उसको आप क्लिक करना है उसके बाद आपका बैंक में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ ओ आएगा उस ओ को इंटर करना है उसके बाद फिर आपको आगे प्रोसीड करना है और आपका फॉर्म फिलअप आप और पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आ, मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप सब आ, का फ़र्ज़ बनता है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करना है उसके बाद मुझे फेसबुक पेज इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है उसके बाद इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ अपने भैया दीदी जो भी है आपका फैमिली मेम्बर्स जो लो कॉलेज में ज्वाइन करना चाहता है उसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस वीडियो को देख कर खुद से अपना घर बेटे फॉर्म फिल कर सके और साइबर में इतना सारा चार्जेस देने वाला चीज़ को आप अवॉइड कर सकता है Osionfish. तो वीडियो को आप ध्यान से देखना है लास्ट तक देखना है उसके बाद समझना है और समझने के बाद उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है और ऐसे नहीं करके आप थोड़ा सा देखा और समझ गया बोल के आप फिर से फिलअप करने लगेगा फिर मिस्टेक कर बैठोगे फिर से बाद में आप सर पकड़ के बैठेगा कैसे करेक्ट किया जाए तो इसलिए जब भी ऐसे वैसे वीडियोस में लाता हूँ तो आपको ध्यान से देखना है उसके बाद समझना है उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है उसके बाद दोस्तों आप सब अगर मुझे मेरा काम को पसंद आता है और मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो आप मुझे मेरा चैनल का नाम का साइट पे ज्वाइन बटन है वहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके यूट्यूब में आप मेरा मेंबर बन के आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसके बाद दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा और मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को आप अपने परिवार दोस्तों के साथ नियर एंड डियर के साथ शेयर कीजिए उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हमेशा जब भी मैं वीडियोस डालू अपडेट मिलता रहे और आर का भी कुछ कुछ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह में ने वहाँ पे पोस्ट कर रखा है तो आप ज्वाइन कर सब्सक्राइब करके मेरा टेलीग्राम चैनल पे उसको भी देख सकते हो तो आज के लिए इतना ही थैंक यू